नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां कोलकाता की मेडिकल छात्रा संघ हुई बर्बर घटना के विरोध में डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि वहीं भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस घटना के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA, हमाई आजमगढ़, नीमा आजमगढ़ और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि ने शनिवार 17 अगस्त 2024 को 6 बजे से और रविवार 18 अगस्त प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी हर तरीके की चिकित्सा सेवा को बंद रखने का आह्वान किया है। शुक्रवार को आए आजमगढ़ के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें IMA, हमाई, नीम और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर CK त्यागी, प्रेसिडेंट IMA, और डॉक्टर स्वाति सिंह, पूर्व प्रेसिडेंट IMA ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आज हम लोग बहुत ही दुखी मन से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये सबको पता होगा कि RG कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में हमारी एक जूनियर डॉक्टर रेजिडेंस, हमारी बहन की एक निशंस हत्या हुई है और उसके साथ जो है बलात्कार और हत्या का मामला है, जिसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी बस यही मांग है कि हम लोग जो हैं अभी फ़िलहाल ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो इसमें पीड़िता को जो है उसको किसी भी तरह से जो विक्टिम्स हैं उनको पनिशमेंट मिले, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट मिले, सही तरीके से जांच हो और जांच करके बहुत मतलब उसको ऐसी पनिशमेंट मिले जो सबको हमेशा याद रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डॉक्टर्स के लिए। लगातार ये कहा जा रहा था है कि डॉक्टर्स हमेशा की मांग है उनकी कि उनकी एक सेंट्रल उनको सेंट्रल प्रोटेक्शन चाहिए, वो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ बने, उसके लिए लगातार कहा जा रहा है। हर बार बनता है लेकिन उसके ऊपर कोई वो कार्रवाई नहीं होती है, तो इसलिए वो सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ बने। डॉक्टर्स जहाँ जहाँ कार्यरत हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, और हर हॉस्पिटल को एक सेफ्टी जोन बनाया जाए और वहाँ पे उनकी हर तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। और हम लोग इसलिए ये बातें समाज में पहुँचें और सारे सामाजिक लोग समाज भी हमारे साथ आएँ इसको हम लोग बताने के लिए, इसलिए हम लोग ने ये काली पट्टी बांध के 3-4 दिनों से तो लगातार काम हो ही रहा है, लेकिन कल से जो है IMA, हमारे नेशनल IMA ने ये डिसीजन लिया है कि कल सवेरे से 6 बजे से कल 24 घंटा कल 6 बजे से परसों 6 बजे तक, सैटरडे 6 बजे से संडे 6 बजे तक जो है हम लोग OPD बंद करेंगे, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटीज़ चलती रहेंगी। हम लोग कभी भी मरीजों का नुकसान नहीं चाहते हैं और इसलिए हम लोग ये पहले से ये बता के कर रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से हर तरह से हम चाहते हैं, हम मरीज़ का कभी भी नुकसान नहीं चाहते, लेकिन ऐसी इस बुरी तरह की हत्या और इस बुरी तरह का जो बलात्कार होके जो इस एक बच्ची के साथ हुआ है, उसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए उस पर, और कई सारे उसके प्रूफ्स हैं जो हटाए ना जाएं, उस पर बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानियां हैं जो कि चल रही हैं लगातार। बस हम लोग की यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। मैडम, पीड़िता को न्याय मिलने में क्यों देरी हो रही है, क्या इसका कारण है? न्याय मिलने में उसको क्यों देरी हुई है आप पूछ रहे हैं, ये तो आपको जो है वो सिस्टम से पूछना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्ची जो है वो 11 बजे जाती है तो अपने माँ बाप से बात करके जाती है कि हम ठीक हैं, साढ़े वो
36 घंटा लगातार काम कर रही होती है और 36 घंटे बाद वो थोड़ा सा सुस्ताने एक के लिए वो एक कमरे में जाती है और जाने के बाद उसके बाद सुबह वहाँ से जो अथॉरिटीज़ हैं हॉस्पिटल की वो टेलीफोन करके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपकी बेटी की हालत सीरियस है, पहले वो ये बताते हैं। उसके बाद हालत सीरियस है फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, ये कहते हैं। तो और उसके बाद वो सब दौड़ के जब माँ बाप पहुँचते हैं तो उसके बाद उनको वहाँ पे पूरे तीन घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा, उनको अंदर उस सेमिनार रूम में नहीं जाने दिया जाता है। तब तक वो लोग क्या कर रहे थे, सारे साक्ष्य हटा रहे थे, क्या कर रहे थे ये नहीं पता। और जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर तो जिस हालात में वो बच्ची को देखते हैं, वो जो मैं बार बार बताना नहीं चाहती क्योंकि काफ़ी समय, वो बिना कपड़े के उसके फादर अपनी बच्ची को देखते हैं, उसकी जो हड्डियाँ थी टूटी हुई थी, पेल्विक बोन जो है वो टूटी हुई थी, पांव उसके राइट एंगल में थे। राइट एंगल में पांव तभी हो सकते हैं जब पेल्विक बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है। तो जब हड्डी टूट जाती है प्लस उसकी नाक की हड्डी, उसके गले की हड्डी, उसके चश्मे जो हैं, उस चश्मे के ग्लासेस उसकी आँखों में थे और आँखों से खून आ रहा था, उसकी क्लेविकल्स टूटी हुई थी। और जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम में जो है वो जो सीमेन देख पाया गया वो 150 ml सीमेन उसके वजाइना में पाया गया, जो कि हमेशा मतलब एक इंसान के रेप करने से पॉसिबल ही नहीं है, वो गैंग रेप के में ही इतना सीमेन इकट्ठा हो सकता है। तो ये सारी प्रूफ्स हैं, उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर्स शांति से जो है मार्च लगा कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ये घटना जो है वो 4-5 दिन पहले की थी और अभी 15 अगस्त की रात में जो है एक साथ 3,000 लोगों ने उस आरजी कर हॉस्पिटल पे जो है हमला किया और हर जगह तोड़फोड़ किया, यहाँ तक कि वो जो सेमिनार रूम था वो उस पर भी तोड़फोड़ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग तो नहीं बता सकते, हो सकता है इसमें बहुत पॉलिटिक्स हो, लेकिन अब इसमें एक्शन लेना चाहिए और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए मजबूरी में हम लोगों को पूरी मजबूरी में जो अपना कार्य रोकना पड़ रहा है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम पेशेंट्स को नुकसान पहुँचाएँ और हम चाहते हैं हम और सिर्फ OPD बंद कर रहे हैं, हम इमरजेंसीज करेंगे, हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। जनपद वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स के साथ खड़े हों, क्योंकि ये डॉक्टर का ही मामला नहीं है, ये किसी की माँ बहन और हमेशा से हुआ ही है, बेटी माँ बहन कहीं सुरक्षित नहीं है। तो जनपद वासी हम लोग की पीड़ा समझें और हम लोग के साथ वो भी आके खड़े हों, ये हमारी उनसे उम्मीद है। और वो भी हम लोग की तरफ से फाइट करें कि बच्ची को जल्दी से जल्दी जो है, ये जो 24 घंटे की OPD है उसमें हमारे हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें क्योंकि OPD कोई इमरजेंसी नहीं होती, इमरजेंसी हम। मैं डॉक्टर नंदलाल यादव, सेक्रेटरी IMA आजमगढ़ ब्रांच। आप लोगों ने सवाल किया कि जनता से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं या क्या करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जनता में ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से जाए कि कल 24 घंटे के लिए, कल 6 बजे से संडे 6 बजे तक के लिए जनता हमारे साथ कोऑपरेट करे। OPD कोई ऐसी इमरजेंसी चीज़ नहीं होती कि OPD जाना ज़रूरी है, वो कल के दिन वो लोग OPD अननेसेसरी हॉस्पिटल पे ना जाएं क्योंकि कोई भी डॉक्टर हमारा OPD अटेंड नहीं करेगा। हम इंडोर करेंगे, कोई इमरजेंसी सिचुएशन का कंडीशन का पेशेंट है उसको हैंडल किया जाएगा, जो हमें गाइडलाइन मिला है कि इमरजेंसी पेशेंट को मानवता के आधार पर हमें देखते रहना है, उनको नहीं मतलब इग्नोर करना है, उन्हें देखना है। सिर्फ और सिर्फ OPD जो कल हम नहीं करेंगे तो 2-4 दिन बाद भी उनको देख सकते हैं, इसके लिए जनता हमारे साथ कोऑपरेट करे। आगे क्या कर रहे हैं? आगे हमारा IMA गाइडलाइन जैसा आएगा वैसा हम करेंगे, हो सकता है हमारी स्ट्राइक एक्सटेंड भी करें, अगर हमारी मांगे ना पूरी हों तो हमारी IMA की स्ट्राइक एक्सटेंड भी कर सकती है, वो हमें जैसा